सुप्रभात बच्चों, मैंने जो आपको तीन प्रश्न करवाए थे वो आपने कॉपी में कर लिए होंगे। अब आज मैं आपको चौथा प्रश्न करवा रही हूँ, यथा योग्यम योजयत, यानी इसका मिलान करना है। जैसे समुद्र तटा यानी पर्यटन आय, समुद्र तट क्या होता है, घूमने के लिए। क्रीडनकम खेलना है, खिलौना, क्रीडनकम यानी खिलौना होता है, खिलौना किस काम आता है, खेलना है, खेलने के लिए। दुग्धम यानी दूध, दूध किस काम आता है, पोषणाय यानी पोषण करने के लिए, यानी अपने आप को हृष्ट पुष्ट करने के लिए। दीपका, दीपक का क्या काम होता है, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, दीपक रोशनी देता है ना, दीपका प्रकाशाय, यानी दीपक प्रकाश के लिए होता है। और विद्या, विद्या से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। अब यह पांचवा क्वेश्चन, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानी पूर्यत, यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे उदाहरण के तौर पर दे रखा है, व्योमा मित्रेण सह गच्छति, यहाँ पर कोष्टक में मित्र दे रखा है, तो मित्र की तृतीय विभक्ति क्या होगी, मित्रेण, सह के योग में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो व्योमा मित्रेण सह गच्छति यानी आकाश व्योम मित्र के साथ जाता है, व्योम किसके साथ जाता है, मित्र के साथ जाता है। अब यहाँ पर बालका सह पठंती, अब कोष्टक में बालिका दे रखा है, तो बालिका की तृतीय विभक्ति क्या होगी, बालिका भी, यानी बालका बालिका भी सह पठंती, यानी बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। अब तड़ागा विवाति, कोष्टक में कमल दे रखा है, तो कमल की तृतीय विभक्ति क्या होगी, कमलेन, यानी तड़ागा कमलेन विवाति, यानी जो तालाब है वो किससे सुशोभित है, कमल से, कमल के जो फूल होते हैं कमलों से सुशोभित है, तो तड़ागा कमलेन विवाति यानी तालाब जो है कमल से सुशोभित है। अहम अपि खेलामी, कोष्टक में कंदुक दे रखा है, तो कंदुक की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, कंदुकेन, अहम अपि यानी मैं भी कंदुकेन खेलामी यानी किससे खेलता हूँ, गेंद से खेलता हूँ, मैं भी किससे खेलता हूँ, गेंद से। अश्वा सह धावंती, यहाँ पर कोष्टक में अश्व दे रखा है, तो सह के युग में वही तृतीय विभक्ति, तो अश्व की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, एन आव्याम आई यानी अश्वई, अश्वा अश्वई सह धावंती, घोड़ा घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगा सह चरंती, अब यहाँ पर मृग दे रखा है, तो मृग की तृतीय विभक्ति क्या होगी, मृगई, बहुवचन आ जाएगा, एन आव्याम आई यानी बहुत सारे हिरण है तो बहुवचन आ जाएगा, तो मृगा मृगई सह चरंती, जो हिरण है वो हिरणों के साथ।